भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल जी, भारतीय युवा कांग्रेस के तमाम पदाधिकारीगण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हमारे देश के कोने कोने से आए हुए युवा साथीगण, साथियों, भाइयों और बहनों, आज हम लोग, हमारा देश एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय से गुजर रहा है। अभी उदयपुर के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजन किया गया नव संकल्प शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज मुझे खुशी है कि एक तरीके से नव संकल्प शिविर के को पालन करते हुए, उसकी शुरुआत करते हुए भारतीय युवक कांग्रेस ने राजीव गांधी जी के को याद करते हुए भारत जोड़ो का नारा यहां पर आप लोगों ने यहां पर शुरू किया है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आप लोगों को कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि भारत जोड़ो क्यों और भारत जोड़ो का मतलब क्या है। आज हम देख रहे हैं देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पे, आज हम देख रहे हैं देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे, आज हम देख रहे हैं कि देश के अंदर रुपया भारत का आज तक के इतिहास में सबसे निचले स्तर के ऊपर गिरता हुआ नजर आ रहा। ऐसे समय में जब देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान उद्वेलित हैं, तो हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरान क्या कर रहे हैं? वो लोग इसका जवाब नहीं दे रहे, वो लोग इस चीज को ठीक नहीं कर रहे। इसका ध्यान भटकाने के लिए हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पे, जाति के नाम के ऊपर बांटा जा रहा है। रोज रोज नई नई चीजें लेकर के आई जा रही ताकि देश का ध्यान बढ़ जाए और देश बढ़ जाए। आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा देश केवल कुछ चंद भौगोलिक टुकड़ों का समूह नहीं है, हमारा देश भारत कुछ चंद भौगोलिक इलाकों का समूह नहीं है, हमारा देश भारत लोगों का समूह है, हमारा देश भारत आप सब लोगों का एक एक व्यक्ति का समूह है, हमारा देश भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक एक धर्म के लोगों का समूह है, हमारा देश भारत हर वर्ग के, चाहे पिछड़ी जाति के हो, अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, हर वर्ग के एक समूह का प्रतिनिधित्व है। और जब हमारे इस देश भारत के अंदर लोगों को धर्म के नाम पे बांटा जाता है तो देश को तोड़ा जाता है, जब हमारे देश के अंदर लोगों को अलग अलग जाति और वर्गों के नाम पे बांटा जाता है तो देश को तोड़ा जाता है। और हम भारत को टूटने नहीं देंगे, इसलिए हम कहते हैं भारत जोड़ो, इसलिए कांग्रेस का नारा है भारत जोड़ो, और इसलिए युवक कांग्रेस का भी नारा है भारत जोड़ो, क्योंकि अगर भारत जुड़ेगा तभी हम लोग भारत के अंदर से बेरोजगारी को हटा सकेंगे, अगर भारत जुड़ेगा तभी हम इस देश से महंगाई को हटा सकेंगे। और इस भारत जोड़ने के लिए, इस भारत को जोड़ने के लिए राजीव गांधी जी ने बलिदानी दी थी, इस भारत को जोड़ने के लिए इंदिरा गांधी जी ने बलिदानी दी थी, और इसी भारत को जोड़ने के लिए, भारत के लोगों को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अपने सीने के ऊपर गोलियां खाई थी। ये आज हम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे युवक कांग्रेस को कि सही मायने में, सही दिशा के अंदर और सही समय के ऊपर भारत को जोड़ने का, भारत जोड़ो का आह्वान लेकर के और राजीव गांधी जी के साथ में आप लोग आगे बढ़े हैं। हम सब लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।